बहुत बहुत शुभकामनाएं विनोद भैया को, विनोद गुप्ता जी को, और जिस तरीके से वो आज लगातार कई सालों से, इस साल है 18th भोजपुरी फिल्म अवार्ड वो करते आए हैं, उसके लिए उनको बहुत बधाई के पात्र हैं। और अभी अवार्ड फंक्शंस की शुरुआत होने वाली है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जब कभी चर्चा इस बात की होगी कि अवार्ड फंक्शंस की शुरुआत का, तो उसमें विनोद भैया का नाम आएगा। उन्होंने ही इसकी शुरुआत की। भोजपुरी में हम सब लोग काम करते थे, लेकिन उनके काम को, उनको अप्रिशिएट करने के लिए कोई ऐसा मंच नहीं था, और उनके काम को की तारीफ़ हो और उनको एक अप्रिशिएशन का टोकन दिया जाए। विनोद गुप्ता जी ने वो बेड़ा उठाया और भोजपुरी फिल्म अवार्ड के तहत जो भी साल के अंदर उत्कृष्ट काम होता है, वो हर डिपार्टमेंट को, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड है, उसी के पैटर्न पे अवार्ड दिया जाता है। और आज देखते देखते 18वीं साल उसका मंचन हो रहा है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं विनोद जी। सबसे पहले तो ये 18th भोजपुरी सिनेमा अवार्ड के जितने भी मेंबर हैं, और ख़ासकर विनोद गुप्ता जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक्स कि उन्होंने मुझे याद किया। और निरंतर हमेशा कंटिन्यूसली जब भी हम बॉम्बे में रहते हैं, आते ही हैं, वो बुलाते ही हैं। तो और आगे के लिए शुभकामनाएं। सर, बहुत से अवार्ड शो शुरू होते हैं, बंद हो जाते हैं, और ये भोजपुरी का पहला अवार्ड शो है, साथ में 18 साल हो गए। देखिए, ये 2005 में जब शुरू हुआ था, तो उस समय का दौर अलग था, और उस समय इतनी प्रोफेशनलिज्म नहीं थी, खासकर आर्टिस्ट और बाकी लोगों की बात करें तो अभी तो काफ़ी प्रोफेशनलिज्म हो गया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इतनी कर्मठता से विनोद गुप्ता जी ये अवार्ड शो करा रहे हैं, ये पूरी टीम कंटिन्यूसली, आज 18वां अवार्ड शो है। तो डेफिनेटली मैं कुछ शुभकामनाएं दूंगा कि 19वां 20वां भी कंटिन्यू हो।